empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone. Just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. Starting fights, turning truth to lies. Gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone. Just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone. Just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this old. Starting fights, turning truth to lies. Gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone. Just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, oh, oh. The more I swim, the more
empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh.
यार मैं इतने देर से बोल रहा था, और लाइक सीरियसली यार मैं इसकी तो माइक बंद था। तो ओके गाइस, तो बात ये कह रहे थे कि वेलकम बैक टू अनदर स्ट्रीम। आज हमारे अगर यहाँ पे देखा जाए तो ग्लोरी ऑफ द चैंपियंस का हमारा यहाँ पे जो एक तीसरा दिन आई गेस चौथा या पांचवा दिन स्टार्ट हो चुका है। ग्रुप स्टेजेस ई की बात की जाए तो आज जो मैचेज हैं वो ग्रुप स्टेजेस ई के प्लेयर्स की यहाँ पे हमें देखने नज़र आ रहे हैं। टॉप एट टीम्स यहाँ पे देखना है किस तरह से यहाँ पे खेलेंगी। जो टॉप एट टीम्स हैं वो क्वालिफाई करके जाएंगी क्वार्टर फाइनल्स के अंदर। तो ये जो मैचेज हैं काफ़ी ज़्यादा टीम्स के लिए क्रूशल रहने वाले हैं। अब देखना ये जो लास्ट की डे की बात की जाए, जो हमें देखने को नज़र आया था कि वो जो टीम थी MXC के प्लेयर्स, वो जो जो कल गिल ने जो क्लचेस निकाले थे, वो जो 20 किल्स के साथ उन्होंने एक चिकन डिनर निकाला था, वो जो टेबल पे एक पुश उनको मिला था, वो अगले दो मैचेस ऑल दो उनके इतने अच्छे गए नहीं थे, लेकिन वो एक पहला मैच बड़ा ही डिसाइडिंग फैक्टर था उस टीम के लिए। और वो दूसरे जो दो मैचेस थे वहाँ पे अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन फिर भी टेबल के टॉप पर बैठे थे। तो एक अच्छी परफॉर्मेंस, उन्होंने मेहनत की है लड़कों ने, और वो जो पॉइंट्स लेके गए थे वो अगली टीम के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रूशल रहने वाले थे। अगली दफ़ा अगर हम यहाँ पे बात करें तो 4V जो इतने सारे प्लेयर्स 18 टीम्स के बीच में एक गर्ल्स का स्क्वाड आया था, वो जो उन्होंने यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखाई है वो बड़ी स्टनिंग रहने वाली है। क्योंकि वहाँ पर जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, वो जो जोन रीड था उनका, वो जोन के जो सेंट्रल इलाके उन्होंने कैप्चर किए थे, वो लास्ट तक 4 मैन स्टैंडिंग। ऑब्वियसली अगर यहाँ पे बात की जाए तो ओवरऑल यहाँ पे उनकी गन पावर इतनी स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन वो जो जोन पे के लिए वो जो पॉइंट्स उन्होंने निकाले वो काफ़ी ज़्यादा अगली टीम्स के लिए क्रूशल रहने वाले हैं। और अब देखना है कि ये जो टॉप टू के जो प्लेयर्स हैं वो अपनी टीम को कितना आगे लेके जाएंगे। वापस से ग्रुप स्टेज ए की बात की जाए तो यहाँ पे देखना है कि आज कौन से प्लेयर्स किस तरह से परफॉर्मेंस दिखाएंगे और यहाँ पे क्वालिफाई के क्वार्टर फाइनल्स में जाएंगे। तो डेफिनेटली आपकी जो लॉबी है वो काफ़ी ज़्यादा टफ होने वाली है। एक नेक्स्ट स्टेप आप लोग कह सकते हैं, क्योंकि जब आपका टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था, अगर टूर्नामेंट के कुछ रोड मैप की बात कर लें, 216 टीम्स आई थी, टॉप 8 टीम्स क्वालिफाई हो गई। वो जो टॉप 8 क्वालिफाई हो गई टीम्स गई थी वो 96 के एक ब्रैकेट्स में आ गई थी। वो 96 का ब्रैकेट्स ख़त्म हुआ तो आपकी लॉबी का जो एक स्टेप है वो हार्ड हो जाएगा, क्योंकि क्वालिफाइड टीम जब क्वालिफाइड के साथ लड़ेंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस टीम, जिस तरह 4V के प्लेयर्स की मैं बात कर रहा था, वो काफ़ी एक्सपीरियंस लग रहे थे। वो जो जोन के जो उनका जो IGL था, वो जो उनकी IGLing जो हमें एक नज़र आया था, एक सेंस नज़र आई थी, वो तीनों के तीनों मैच एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस जोन के साथ आई गेस माहिदा करके आए थे कि बस हमें आपने सेंटर में रखना है। तो वो हमें देखने नज़र आया था, ये एक्सपीरियंस टीम के अलावा और कोई भी नहीं कर सकता। तो अब देखना ये कि आगे किस तरह जाएगी। 96 टीम से टॉप 8 क्वालिफाई होकर 64 टीम्स तक आ चुकी हैं, और अब देखना ये कि लॉबी एक ज़्यादा आगे हार्ड होने वाली है। अभी ग्रुप स्टेज ई जो 96 टीम थी उनका हम लोगों को वापस से नज़र आने वाला मैचेस, जो कल के मैचेस होंगे वाइल्ड कार्ड के मैचेस, अगर आप लोग जो टीम्स वो एक जज्बा होता है ना कि हमने एंड तक लड़ना है, वो जो टीम्स डिसक्वालीफाइड हो गई थी उनके पास एक चांस रहने वाला है कि आप वाइल्ड कार्ड की एंट्री के थ्रू आप वापस से भिड़ेंगे, आप लोग फाइट लेंगे, और जो टॉप 8 की टीम्स है वो जल्दी से डायरेक्ट क्वार्टर फाइनल्स के अंदर प्रमोट कर दी जाएंगी। तो अगर आपने वाइल्ड कार्ड और आपने जाना है क्वार्टर फाइनल्स के अंदर जाना है खेलने के लिए, एक दफ़ा आपने आप टीम को एक चांस देना है, तो वाइल्ड कार्ड के जो रजिस्ट्रेशन है स्लॉट्स अभी भी ओपन है, तो आप लोग वाइल्ड कार्ड का यहाँ पर जो एक पत्ता है वो भी खेल सकते हैं। और यहाँ पर देखना ये कि आज की टीम की परफॉर्मेंसेज किस तरह से रहने वाली है, कौन सी टीम टॉप 8 पर रहेगी, कौन सी टीम्स को हमें यहाँ पर गुड बाय कहना पड़ेगा, वो आज के दिन ये हमारे पास 3 मैचेज हैं, मिरामार, इरेंगल और यहाँ पे सैनो के मैचेस रहने वाले हैं। कौन सी टीम लड़ेंगी, फाइट्स लेंगी, नंबर्स लेके जाएंगी, कौन सी टीम जहाँ पे एक्सपीरियंस नजर आएंगी, यहाँ पे जिस तरह देखा जाए 69 के प्लेयर्स हमें यहाँ पे नजर आते हुए 46 के प्लेयर्स आई गेस नंबर्स यहाँ पे मैथ्स की टीम्स आ चुकी हैं। कोट आई गेस ये पाकिस्तान के बाहर का स्क्वाड रहने वाला है। सोल का प्लेयर्स, इंडिया के सोल तो देखा था, अब हमने देखना ये यहाँ पे जो पाकिस्तानी सोल्स हैं, जो दराज वाले सोल हैं, वो किस तरह से अपनी परफॉर्मेंसेज दिखाएंगी। BF के 2 प्लेयर्स आ चुके हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे फ्लेक्स के प्लेयर्स की बात की जाए, फ्लेक्स के प्लेयर्स को हमने देखा है थोड़ा सा अच्छा गेम प्ले है, लेकिन अब देखना ये कि किस तरह से यहाँ पे क्वालिफाई करके जाएंगे। वहाँ पे आई के प्लेयर्स हमें देखने नजर आ रहे हैं, वहाँ पे DRM के प्लेयर्स, TRT यहाँ पे रहने वाली है, TROBC यहाँ पे, ये यहाँ पे जो प्लेयर्स हैं CS के प्लेयर्स आप लोग कह सकते हो। तो यहाँ पे CS का पूरा पूरा स्क्वाड, DRM के 2 लाइनअप्स आप लोग ज़रूर से देखने वाले यहाँ पे। अब देखना ये कि ये दोनों दो के दोनों लाइनअप्स का क्या, इनमें से कोई एक लाइनअप भी क्वालिफाई करके अंदर जाएगा। RTS के प्लेयर्स ऑब्वियसली यहाँ पे रहने वाले हैं। R360 हमें लास्ट टाइम पे आई गेस अल्ट्रो की जो जो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस थी, वो जो गन पावर थी हमें देखने को नजर आई थी। अब देखना ये कि अल्ट्रो इस मैच में किस तरह से रहने वाले हैं। वहाँ पे TOG के प्लेयर्स की बात की जाए तो TOG के प्लेयर्स दाद देंगे, जो परफॉर्मेंस दिखाई तो उन्होंने यहाँ पे। अब देखना ये कि यहाँ पे TOG के प्लेयर्स क्या वापस आएंगे, एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे और आगे जा पाएंगे, देखना ये है। वहाँ पे TK प्लेयर्स, यहाँ पे TKS के प्लेयर्स ये हमें देख रहे हो नज़र आ रहे हैं। TKS का प्लेयर्स मुझे कुछ नाम सुना सुना लग रहा है, ऑब्वियसली मैं यहाँ पे
कास्टिंग की लाइन में भी आप मुझे नया कह सकते हो, और यहाँ पे जो कॉम्पिटिटिव की कास्टिंग है वो ठीक है, वो मेरे लिए बिल्कुल नहीं रहने वाले। तो जो नए नए स्क्वाड्स अभी मेरे सामने से गुजरे हैं, तो ऑब्वियसली एक जो होता है आपके मसल मेमोरी, आप लोग कह सकते हो जो याददाश्त है मेरी, उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। क्योंकि जब आपके साथ भी ऐसे होता है, जब आप किसी नए स्कूल में जाते हो तो वहाँ पर जितने भी बच्चे होते हैं सारे बच्चे आपका नाम याद कर लेते हैं, लेकिन आप सारे बच्चों को नाम याद करते हो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मेरे साथ भी अभी वही एक्सपीरियंस हो रहा है। तो अब देखना ये कि हम टीम्स को कितने जल्दी पहचानेंगे और कितने क्या सीन होगा। यहाँ पे मैग्मा के प्लेयर्स की बात कीजिए तो मैग्मा के प्लेयर्स भी हमें नज़र आते हुए, हॉर्स के प्लेयर्स नज़र आ रहे हैं। वो एच ओ हॉर्स के प्लेयर्स की बात कीजिए, आई गेस यहाँ पे मैंने देखा था हॉर्स के प्लेयर्स को। तो अब देखना ये कि यहाँ पे आगे किस तरह से रहने वाला, 71 प्लेयर्स आ चुके हैं। तो आई गेस यहाँ पे 18 से 20 टीम्स रहने वाली हैं इस लॉबी के अंदर। तो लॉबी का तापमान भी देखेंगे, जो एक गर्माहट होती है वो किस तरह से रहने वाली है, प्लेयर्स किस तरह से फाइट लेंगे। ओबियसली डायरेक्ट आप ड्रॉप क्लैश तो करोगे नहीं, तो पहले आप लॉबी की यहाँ पर गर्माहट चेक करोगे कि लॉबी कैसी आई है, उसके बाद आप जाके पोजिशनिंग के लिए किल्स के लिए जाओगे। तो अब देखना ये कि यहाँ पर गन पावर किस की स्ट्रॉन्ग रहने वाली है, कौन किस तरह से फाइट लेगा, वो कुछ ही सेकंड में हमारे पास यहाँ पे मैच स्टार्ट होगा। और उसके बाद हम लोग देखेंगे ऐश के प्लेयर्स भी यहाँ पे मिला जो वो, अब खान मुझे थोड़ा सा यहाँ पे नज़र आते हैं। भाई खान की जो हम लोगों को गन पावर, ओबियसली हमें खान काफ़ी दफ़ा किल फीड के अंदर नाम आए थे। ओबियसली देखें रिच लॉबी यहाँ पे हमें नज़र आती है, क्या बात है। यहाँ पे M4 ग्लेशियर के साथ दिखाई दे रहे हैं, M16, ओबियसली UMP9। UMP9 की बात कीजिए, जिस तरह लास्ट ईयर आप लोग देख रहे थे DMR के, यहाँ पे DMR क्यों नहीं, यहाँ पे जो गन्स थी जिस तरह हम लोगों ने लास्ट ईयर में देखा था, वो जो एक आप लोग DP28 चलाते थे, वो एक हमें देख नज़र आया था, दिन आया था। लेकिन UMP9 की बात कीजिए तो पूरा का पूरा एक दौर आ गया, जिस प्लेयर को देखो इंस्पायर्ड हो गया क्लोज रेंज में UMP9 चलाने का। यहाँ पे अब देखना ये कि इस लॉबी के अंदर UMP9 कौन किस तरह से चलाएगा, किस तरह से गन्स की पावर एक होती है, एक आपके स्क्वाड की सेनर्जी होती है कि आपने फाइट किस तरह से लेनी है, एक होती है आपकी गन की यहाँ पे जो एक सेंस होती है कि क्लोज रेंज में आपने कौन सी गन रखनी है। अगर इस प्लेयर ने ये गन उठा लिया तो आप दूसरी गन ये रखोगे। ओबियसली स्क्वाड है तो स्क्वाड यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे गन पावर के लिए नहीं, अपनी यहाँ पे मिक्स एंड मैच के लिए भी यहाँ पे पहचाना जाता है, जाना जाता है। तो अब देखना ये कि यहाँ पे ओवरऑल जो एक आपको एवरेज जो होता है सारी चीज़ें मिला के एक जो टीम बनती है, वो टीम्स हमें जो टॉप 8 टीम्स आज की हमें देखने को नजर आएंगी। और देखना ये कि यहाँ पे कौन सी क्वालिफाई करेंगी, और ये जो क्वालिफाई करके जाएंगी वो किस तरह से रहने वाली है, और जो अगला जो अभी क्वार्टर फाइनल स्टार्ट होंगे कुछ ही दिनों के अंदर, वो वहाँ पर किस तरह से फाइट लेंगी। ओब्वियसली आप क्वालिफाई करके जाते हो, आप एक सीढ़ी आगे चढ़ जाते हो, और जब सीढ़ी चढ़ते हो तो आपका ऑब्वियसली जो एक कंपेटेटर जो आपके जो कंपेटेटर्स होते हैं, कंपिटिटर्स होते हैं, वो क्या होते हैं यार, मुझे मेरी इंग्लिश बहुत माड़ी है यार मुझे इंग्लिश स्कूल जाना पड़ेगा इस कास्टिंग के बाद। खैर आपके जो ओपोनेंट्स होते हैं, आपके ओपोनेंट्स आपको कितना हार्ड टाइम देंगे, डेफिनेटली आप अगर इस लॉबी में खेले तो आपको अपने ओपोनेंट का भी रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। तो अब देखना ये कि मैच हमारा पहला स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे, तो चलते हैं लॉबी के अंदर। ओबियसली थोड़ा सा लो स्पेक पीसी है तो थोड़ा सा टाइम ले सकता है, लेकिन टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने। ओके क्या बात है, क्या बात है। ओके गाइस, तो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है हमारा यहाँ पे आज का पहला दिन। अगर यहाँ पे देखा जाए 69 के प्लेयर्स की अगर बात की जाए, फायर रहने वाले हैं यहाँ पे, मुजरिम यहाँ पे रहने वाले हैं, यहाँ पे 69 के बॉट यहाँ पे रहेंगे, और यहाँ पे एक अजीज़ 4 मैन स्टैंडिंग स्क्वाड नज़र आने वहाँ पे। 46 के प्लेयर्स की बात की जाए तो यहाँ पे मैड लॉल रहने वाले हैं, मई यहाँ पे काम साहब यहाँ पे जो घर में एक मई आती है जो मासी होती है, वो यहाँ पे बर्तन धोने के बाद जो आजकल आप लोग देख रहे हो कम्पिटिटिव मैच खेल रही है, यहाँ पे मई आती है। यहाँ पे अब देखना ये कि मई ये लॉबी किस तरह सफाया करेगी। अब यहाँ पे बाकी देखा जाए तो यहाँ पे हसीम रहने वाले हैं, यहाँ पे मेजन रहने वाले हैं। सोल के प्लेयर्स की बात की जाए तो सोल के प्लेयर्स अगर आप DMOC देख रहे हो तो आपको पता है कि वहाँ पे जो एक उन्होंने अपना एक नाम बनाया हुआ है, वो जो एक क्वालिटी यहाँ पे जो अपनी सारी की सारी टीम्स के नाक में दम किया हुआ है। देखना ये कि ये जो पाकिस्तानी सोल का स्क्वाड है ये किस तरह से अगली स्क्वाड के ऊपर नाक में दम करेगा। बाकी बात की जाए तो यहाँ पे SLY के हमें नजर आते हुए अशर यहाँ पे जरूर से रहने वाले हैं। यहाँ पे कोर्ट की बात की जाए तो यहाँ पे कोर्ट के अबशार, यहाँ पे मुझे नाम इनके समझ नहीं आ रहे, यहाँ पे अल हजरे और यहाँ पे मैडनेस रहने वाले हैं। तो ओबियसली 22 सेकेंड्स रिमेनिंग, यहाँ पे आप देखना ये कि यहाँ पे किस तरह से फाइट लेंगी। ओबियसली इन एंगल का मैच थोड़ा सा बड़ा रहता है, पेस की बात की जाए तो इन एंगल के मैच में अगर आप यहाँ पे इतने आगे आ चुके और आपने फ़ाइट करनी है, 2.5 लाख रुपए का जो प्राइस पूल है, आप कि हर
टीम का यही एक ख्वाब होगा कि वो किसी ना किसी तरह ग्रैंड फाइनल में पहुंच जाए। तो ऑब्वियसली आपको मेहनत करनी पड़ेगी और उसके लिए आपको एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के साथ साथ पोजीशनिंग भी निकालनी पड़ेगी। तो ड्रॉप क्लैशेज का तो बिल्कुल वो बनता ही नहीं है। अगर यहाँ पर बात की जाए तो मैडनेस हमारे पास यहाँ पर पायलट का रोल अदा करते दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर मैच की तरह बढ़ें तो फ्लाइट पाथ हमें शूटिंग रेंज से सोसनोव को मिलिट्री बेस का जो आइलैंड रहता है वहाँ पर रहेगा। थोड़ा सा सेंट्रल के साथ साथ आप वेस्टर्न भी कह सकते हो। तो अब यहाँ पर देखना ये कि जो ईस्टर्न इलाके हैं जैसे स्टार्पर कमिस्की के इलाके, ऑब्वियसली इस लॉबी के अंदर आप ये नहीं चाहोगे कि आप ड्रॉप क्लैश करो। आपने अपनी पॉइंट्स के लिए खेलना है, आपने अपनी किल्स के लिए खेलना है। तो रोटेशंस अब देखना ये कि किस तरह से रहेगी। कमिस्की के एरियाज, लिपोवका के एरियाज काफ़ी बड़े होते हैं, लूट अच्छी मिलती है, थोड़ा सा जोन से बाहर भी रह सकते हैं, एरिया से प्रात से थोड़ा सा दूर। तो आप देखना ये कि आप एक्स्ट्रा ग्लाइड के साथ मोबिलिटीज़ के अगर यहाँ पे सोर्सेज, यहाँ पे जो रिसोर्सेज होते हैं मोबिलिटी जो व्हीकल्स रहते वाले हैं वो आप किस तरह से यूटिलाइज़ करके अपने ड्रॉप लोकेशन पर जाओगे। ऑब्वियसली अगर यहाँ पर आप खेल रहे हो तो आपके कुछ ना कुछ ड्रॉप्स लोकेशन होते हैं और यहाँ पर आपने ड्रॉप को रीड किया हो। तो अगर आप यहाँ पे प्लेन पास फेवर नहीं करता आपके ड्रॉप्स को तो डेफिनेटली आपके पास एक सेकेंडरी प्लेन पास यहाँ पे जो ड्रॉप लोकेशन वो भी होते हैं नजर आएगी। लेकिन यहाँ पे अभी कोर्ट के प्लेयर्स की बात की जाए तो हमें एक अर्ली एक ड्रॉप क्लैश जरूर से देखने को मिलेगा। सामने R360 के प्लेयर्स, R360 के प्लेयर्स की जिस तरह मैंने बात की थी अल्ट्रो की, अल्ट्रो काफ़ी ज़्यादा क्रूशल रहते हैं अगली टीम को, काफ़ी ज़्यादा एक हार्ड टाइम देते हैं। या भी लूटिंग का जो प्रोसेस है वो डेफिनेटली यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। मैडनेस की बात की जाए तो हमें नजर आते हुए लेवल 2 के आर्मर के साथ अर्ली अगर आर्मर मिल जाता है तो आपके लिए डेफिनेटली एक फ़ायदेमंद रह सकता है। क्योंकि अगर अलग प्लेयर्स अगली टीम आपको स्पॉट करे, डैमेज टैग आपके ऊपर डैमेज दे, आपके बुलेट टैग करे तो डेफिनेटली आपके पास एक रेजिस्टेंस आएगी। मैडनेस की बात की जाए तो काफ़ी एक अच्छी इनके पास नज़र आती है लूट। AKM जो शॉर्ट रेंज में बीस्ट आप कह सकते हो वो नज़र आ गई है। मिड रेंज लॉन्ग रेंज की फाइट की बात की जाए तो यहाँ पे जो आजकल M416 चलती है वही यहाँ पे इनको स्पॉट करके हमें नज़र आ चुकी है। तो अब यहाँ पे जो आई गेस यहाँ पे ब्लेज की बात की जाए तो ब्लेज के ऊपर यहाँ पे कुछ डैमेज दिया जाता है और यहाँ पे ब्लेज थोड़ा सा दिक्कत में आ सकते थे। लेकिन वहाँ पे हॉर्स के नो मर्सी की बात की जाए तो हॉर्स के नो मर्सी हमें नज़र आते हुए कैजुअल्टी निकालेंगे और यहाँ पे हॉर्स की जो फाइट है वो हमें नज़र आती है। नॉर्दर्न सिटी जो हम कह सकते हैं एक जो रहती है जॉर्जोपुल की, वहाँ पे फाइट रहेगी। लेकिन यहाँ पे 4v4 का स्क्वाड, DRM के प्लेयर्स, हॉर्स के प्लेयर्स एक दूसरे में, एक नॉक की बात की जाए तो नॉक हमें देखने को नजर आ रहा है। लेकिन वहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्लॉस अंदर घुसने की कोशिश करेंगे और DRM के एक प्लेयर को पूरी तरह से कंफर्म कर दिया जाता है। तो इतने अर्ली अगर आप फाइट लेते हो तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैक स्टेप पे हो सकते हो। 4v4 की फाइट, नंबर्स दोनों के पास सेम थे लेकिन वहाँ पे हमें एक और प्लेयर CS के प्लेयर्स TKS के साथ फाइट लेते हुए नजर आ गए। ओपन एरिया में गटका के साथ की बात की तो यहाँ पे फाइट लेते हैं लेकिन DRM के प्लेयर्स हमें नजर आते हैं वापस से हॉर्स के प्लेयर्स के साथ फाइट लेंगे। तो ये जो एक फाइट है ये तो इनिशिएट होगी लेकिन हॉर्स के प्लेयर्स की बात की दो प्लेयर्स को डाउन कर दीजिएगा और DRM के प्लेयर्स इस टाइम पे पूरी तरह से हमें नजर आते हुए एक थोड़ा सा रश करना चाहेंगे, डिफेंड करना चाहेंगे लेकिन उसके बीच में अपने दो प्लेयर्स को यहाँ पे जरूर से खो दिए जाते हैं। तो अब देखना ये कि यहाँ पे जो बाकी हो मीक और यहाँ पे जो M4 Chin है वो किस तरह से रिटेलिएट करेंगे। लेकिन अगर DRM के प्लेयर्स की बात की जाए, DRM के प्लेयर्स भी दो यहाँ पे डाउन होते हुए एक अच्छी गन फाइट हमें, अच्छी गन पावर नजर आती है। लेकिन यहाँ पे शेरी की बात की जाए तो शेरी को एक यहाँ पे स्पॉट किया जाता है और यहाँ पे आएंगे और एक पूरा का पूरा एक अर्ली स्क्वाड रहने वाला है DRM के प्लेयर्स। मैंने जिस तरह बोला था DRM के दो स्क्वाड हैं तो अब देखना चाहिए कि एक स्क्वाड तो जो सबसे पहले एलिमिनेट हो चुका है, दूसरा स्क्वाड किस तरह से रहने वाला है। वहाँ पे अगर बात की जाए तो घटका के पास हम लोगों को कुछ टीम्स नज़र जरूर से आती है लेकिन यहाँ पे R360 के प्लेयर्स की बात की जाए तो अभी भी यहाँ पर फाइट जरूर से लेना चाहेंगे। जोन की अगर यहाँ पर बात की जाए तो जोन हम लोगों को एक सेंट्रल वेस्टर्न साइड पर जरूर से रहने वाला है। तो अब यहाँ पर देखना चाहिए कि नोवोरोपनोव के पास जो एरिया रहने वाला है, वो जो ब्रिज के इलाके रहने वाले हैं, वहाँ पर एक पूरा का पूरा स्क्वाड रहेगा। मिलिट्री की बात की जाए तो सोल का पूरा स्क्वाड मिलिट्री के जो एक बड़ा इलाका होता है वहाँ पे जरूर से कैप्चर करना चाहिए। लेकिन वहाँ पे अगर मैग्मा के प्लेयर्स की बात की जाए तो मैग्मा के चार तीन प्लेयर्स हैं 2v1 के स्प्लिट में खेलना चाहेंगे। लेकिन वो जो एक आप लोगों को साउथ वेस्ट साइड पे एक इलाके होते हैं, वो जो छोटे छोटे कंपाउंड होते हैं वो डेफिनेटली से लूटना चाहेंगे। अगर यहाँ पे मैग्मा की बात की जाए तो मैग्मा इस टाइम पे लेवल 3 की वेस्ट और लेवल 2 की इनके पास वेस्ट रहने वाली है। लेकिन वहाँ पे फ्लेक्स के प्लेयर एश के साथ फाइट लेंगे और डाउन किया जाता है। तो प्रीमोस की साइड पर एक और फाइट हमें नज़र आती हुई, जाओ लो स्विच हो जाओ जानी ओके गाइस। तो यहाँ पे थोड़ी सी आज जरा सी थोड़ा सा स्लो पे से कास्टिंग करके एकदम से तेज जाएंगे क्योंकि एकदम से करते हैं तो थोड़ी सी एनर्जी जाएगी। तो अब देखना है कि गाइस यहाँ पे PBX के यहाँ पे प्लेयर्स की बात कीजिए तो यहाँ पे हमें नज़र आते हुए एश के बैट ऑन टॉप को डाउन कर दीजिएगा। बैट ऑन टॉप की बात की तो हमें कुछ इन्होंने क्लचेज जरूर से दिखाए थे गाइस, जो फीड में नाम हमने जरूर से देखा था लेकिन इस टाइम पर अर्ली एग्जिट हो गया तो डेफिनेटली आपकी टीम के एक धचका लग सकता है। अब देखना है कि यहाँ पे जो एक प्लान के साथ आए थे, एक प्लान तो यहाँ पे फेल हो चुका है लेकिन अब यहाँ पे एक डेफिनेटली जो तीन प्लेयर्स के साथ यहाँ पे एक प्लान बी भी होगा वो किस तरह से रहने वाला
46 के प्लेयर्स की बात की जाए और यहाँ पे 69 के प्लेयर्स की बात की जाए, वो जो दोनों मैथमेटिक्स की टीम्स हमें देखने को नजर आएंगे कुछ ही सेकंड्स के अंदर, ज़रूर से फाइट लेना चाहेंगे। और अब देखना है कि ये फाइट किसकी फेवर में जाएगी। मई की बात की जाए तो मई इस टाइम पर हमें नजर आती अलग उतरी जरूरत थी यहाँ पर, लेकिन रोटेशन करते वापस अपने स्क्वाड के साथ रीयूनाइट करेंगे तो अब यहाँ पे जो 4v2 की फाइट है वो यहाँ पे देखने को नजर आएगी। अजीज़ की बात की जाए तो अजीज़ हमें लेवल 2 के आर्मर हो, यहाँ पे वेस्ट उनकी लूट की बात की जाए तो इनके पास लूट काफ़ी प्यारी नजर आती है। एम4 ग्लेशियर देखा जाए और यहाँ पे AKM के साथ नजर आते हुए, वहाँ पे अगर बोट की बात की जाए तो बूट हमारे M4 ग्लेशियर यहाँ पे M416 के साथ आई गेस यहाँ पे फूल इनके हाथ में पकड़ी होगी और यहाँ पे UMP9 जी हाँ फूल ही यहाँ पे रहने वाली है। और यहाँ पे UMP9 के साथ हमें डाउन दिखाई देते हुए आई गेस किसी खाई से गिरे थे या क्या सीन था, लेकिन यहाँ पे हमें नजर आते हुए यहाँ पे इनको डाउन कर दीजिएगा। सामने प्लेयर्स की बात की जाए तो BF के डॉक्टर यहाँ पे मौजूद रहने वाले हैं तो BF का पूरा स्क्वाड। सामने प्लेयर्स की बात की जाए तो ERF के प्लेयर्स हमें रहने वाले हैं, तो अब देखना ये कि यहाँ पे जो फाइट है 4v4 की फाइट ये किस तरह से हमको दिखाई देगी। अभी सारी की सारी प्लेयर्स आई गेस यहाँ पे मैच की बात की जाए तो 6 मिनट हो चुके हैं, तो डेफिनेटली हम लोग आई गेस यहाँ पे अब ये देख सकते हैं। मेरा नेट तो नहीं चला गया, ओके गैस तो मेरा इंटरनेट चला गया था। तो अभी बात मैं ये कर रहा था कि यहाँ पे हम लोगों को देखने को हम लोग ये कह रहे थे कि अभी टाइम की बात करें तो 7 मिनट स्टार्ट हो चुके हैं। 7 मिनट एक ऐसा टाइम रहता है एक कम्पिटिटिव मैच के अंदर कि सारी की सारी टीम्स रोटेशन करना चाहेंगी और यहाँ पे रोटेशन ज़्यादातर टीम्स को देखें तो आपको गाड़ियों में नजर आएगी। 46 के प्लेयर्स की बात की जाए तो 46 के प्लेयर्स इस टाइम पे क्रॉस करना चाहेंगे ब्रिज को, जो नोवर अपनाई का जो ईस्टर्न ब्रिज होता है वहाँ पे जरूर से चाहेंगे कि क्लोज करें। लेकिन वहाँ पे TOG के प्लेयर्स की बात की जाए तो TOG के यहाँ पे हमें 3v1 के स्प्लिट में पेयर नज़र आ रहे हैं। अरहम की बात की जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा मैच रेंडर नहीं हुआ, तो मैप थोड़ी सी रेंडर नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे मे बी यहाँ पे ये जो फाइट है हमें इनिशिएट होती जरूर से दिखाई दे सकती है। अरहम की बात की जाए बाइक से जरूर से जा रहे हैं, बाइक एक ऐसी व्हीकल रहती है ओपन से हमें बिल्कुल यहाँ पे कोई प्लेयर आपको स्पॉट करे तो डैमेज दिया जाएगा। और यहाँ पे अरहम के साथ वही सीन हुआ, यहाँ पे बुलेट्स आएंगी सारे के सारे प्लेयर्स। अगर यहाँ पे मिजन की बात की जाए, वहाँ पे मैड लोल की बात की जाए तो यहाँ पे डैमेज जरूर से देना चाहेंगे, लेकिन मैड लोल की बात की जाए तो वहाँ पे एक पिक्सल स्पॉट करेंगे और अरहम को यहाँ पे डाउन कर दीजिए। तो TOG के प्लेयर्स इतना स्प्लिट में आप खेलोगे तो डेफिनेटली आपकी टीम जो ओपोनेंट्स आपके रहने वाले हैं वो आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं बैक स्टेप कर सकते हैं। और यहाँ पे वही देखने को नजर आया पहली यहाँ पे जो TOG का स्क्वाड है यहाँ पे अरहम को डाउन करेंगे। अब देखना ये कि यहाँ पे जो खान रहने वाले हैं खान भी इस इलाके में रहेंगे, लेकिन आई गेस फाइट को डिसंगेज करके या तो एक ऑफ गार्ड एंगल इनके पास बनाया जाएगा कि वो जो एक जो कैजुअलिटी होती है एक जो कैलकुलेटेड रिस्क होता है कि हाँ मैं यहाँ पे डाउन कर सकता हूँ मेरी गन पावर स्ट्रॉग है, वो एक जो कॉन्फिडेंस होता है वो किस तरह से रहने वाला है। क्या TOG के खान यहाँ पे पूरी तरह से फॉल बैक करेंगे, पीछे से टीम आएगी रेस्क्यू करना, लेकिन आई गेस पीछे से पूरी टीम का बैकअप जरूर से आने वाला है। और यहाँ पे अब देखना ये कि यहाँ पे जो प्लेयर्स हैं अगर लकी की बात कीजिए लकी अभी भी अपने पार्टनर से दूर है, टॉक्सिक की बात की तो टॉक्सिक भी क्लोज इन करना चाहेंगे लेकिन यहाँ पे अभी जो व्हीकल्स को स्पॉट करके अंदर आना चाहेंगे। और यहाँ पे देखना ये कि यहाँ पे जो फाइट है खान को किस तरह से रेस्क्यू करेगा, लेकिन यहाँ पे खान की बात की जाए तो खान हमें नजर तो मेजन के साथ यहाँ पे फाइट लेंगे, डाउन किया जाता है पूरी की पूरी टीम। अगर मेजन के साथ दूसरे प्लेयर्स की बात की तो एक दो प्लेयर्स को यहाँ पे कैजुअलिटी नजर जरूर से आने वाली है। मेजन के साथ यहाँ पे मैड लॉल को भी डाउन कर दीजिएगा, तो अगर इनकी टीम आके क्लोज इन करे तो बहुत ही ज्यादा एक क्रूशल डैमेज दिया जा सकता है अर्ली स्टेज पे। अगर आपके ओपोनेंट्स को आप डाउन कर देते हो तो डेफिनेटली आपके पास एक कॉन्फिडेंस आएगा और यहाँ पे खान की जानब से वापस से ग्रेनेड आएगा। मेजन की HP की बात की जाए तो जल्दी ही ब्लीड आउट होंगे। यहाँ पे मैड लॉल की बात की जाए वो भी टाइम पे डाउन, तो देखना ये कि जो इनका बैकअप है वो लकी जो प्लेयर्स हैं अभी तक अपने पार्टनर से थोड़ा सा दूर, लेकिन वहां पे टॉक्सिक की बात की जाए तो टॉक्सिक इस टाइम पे ऑफ गार्ड एंगल बना के जरूर से आना चाहेंगे। और यहां पे टॉक्सिक की बात की टॉक्सिक अंदर आ ही रहे थे, एक जो नॉक प्लेयर थे उनको यहां पे कंफर्म कर दिया जाता है, किल को यहां पे सिक्योर करेंगे लेकिन खुद भी नॉक हो जाएंगे, तो ये टीम अभी कहीं ना कहीं बैक स्टेप पे नजर आती है। लेकिन खान की बात की जाए तो एक और प्लेयर को डाउन करते हुए 46 का पूरा स्क्वाड पूरी तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं। मई आखिरी सर्वाइवल बचने वाले अपनी टीम के लिए, लेकिन उस बीच में टॉक्सिक को भी रिवाइव देना, तो अब देखना ये कि खान किस तरह से रिटेलिएट करेंगे क्योंकि खान की HP इस टाइम पे काफी ज्यादा डाउन, सिर्फ और सिर्फ बैंडेजेस आने वाले, लेकिन ये काफी ज्यादा ऑफ गार्ड एंगल करके यहाँ पे आना चाहेंगे। कुछ बुलेट्स जरूर से टैग की जाती हैं, लेकिन अब देखना ये कि सारे सिनेरियो में लकी क्या अंदर आके यहाँ पे कुछ कर पाएंगे। लेकिन खान की HP की बात की जाए तो वो भी प्ले जोन से डैमेज लेते हुए जरूर से डैमेज यहाँ पे नॉक होंगे, लेकिन अपने ही प्लेयर के ऊपर यहाँ पे ग्रेनेड मार के डाउन कर दिया जाता है। व्हाट इज दिस, आप नंबर्स का एडवांटेज जरूर से उठा सकते थे, यहाँ पे एक ही प्लेयर सिर्फ रहता है जिसको आप एलिमिनेट कर सकते हो, लेकिन TOG की जानब से इतनी कोई गंदी
आप लोग एब्सेंट माइंड के साथ अगर गेम खेल रहे हो तो एटलीस्ट आपके पास एक कम्युनिकेशन की, एक पबजी ने आपको दिया हुआ है, एक सोर्स दिया हुआ है, तो आप कम्युनिकेशन यूज़ कर सकते हो। आप यहाँ पे कह सकते हो मैं यहाँ पे नॉक पढ़ूँ, लेकिन वहाँ पे उस सारे बीच में देखा जाए तो यहाँ पे हैजीमियो हैं, उनको यहाँ पे जो नॉक थे वो जो पूरी तरह से यहाँ पे रिवाइवल का जो प्रोसेस था एग्जीक्यूट किया जाता है, लेकिन अब माइक की जानब से एक ग्रेनेड जाता हुआ, क्या ये अगले जो प्लेयर्स हैं डैमेज होंगे, लेकिन यहाँ पे जो एक जो स्प्लैशेज होते हैं ग्रेनेड के वो बिल्कुल भी नहीं खाया जाता, लेकिन अभी भी लकी पूरी तरह से वेट कर रहे हैं वापस से ग्रेनेड का, जरूर से यहाँ पे साबु बनते हैं, निशाना बनते हैं। लेकिन इस टाइम पे देखना ये कि खान जो इतनी ओपी गन परफॉर्मेंस, जिस तरह मैंने शुरू में बोला था कि खान के कुछ क्लचेज हमें देखने को नजर आए थे और वो क्लचेज वापस से आज खान ने दोहराए हैं, तो जो कंसिस्टेंसी है खान की वो तो डेफिनेटली यहीं पर रहने वाली है। लेकिन सारे सिनेरियो में 2v2 की फाइट, हु इज गोना विन द मैच, जोन से काफ़ी ज़्यादा बाहर रिसोर्सेज भी इनके यहाँ पे यूटिलाइज हो रहे हैं। अगर यहाँ पे खान की बात की जो सिर्फ और सिर्फ बैंडेजेस बूस्टर्स रहने वाले हैं, लेकिन अभी तक जो बूस्टर की जो बार है वो यहाँ पे मैं नजर नहीं आ रही। लेकिन सारे सिनेरियो में माइक की बात की जाए तो माइक के पास 4 बैंडेजेस यहाँ पे फर्स्ट एड किट रहने वाली है, यूज किए जा रहे हैं ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ पे जो स्टक हो चुके हैं, यहाँ पे ओपोनेंट्स IM स्टक वाला सीन चल रहा है। तो अब देखना ये कि सारे सिनेरियो में कितनी देर में फाइट्स होंगी, कौन फाइट जीतेगा और यहाँ पे जो रोटेशंस है वो किस तरह से रहने वाली, क्योंकि अगर बात की जाए तो अर्ली रोटेशंस की तो टीम पहले ही सेंट्रल इलाके पकड़ चुकी है यहाँ पे। अब देखना ये कि यहाँ पे किस तरह से रहेंगी। अगर वहाँ पे फाइम के प्लेयर्स की बात की जाए, फाइम इस टाइम पे रूनस का इलाका, यहाँ पे एक ओबीसी एक आपके पास कवर वाला इलाका रहने वाला है और यहाँ पे वो होल्ड करेंगे। तो अब देखना ये कि ये इस सिचुएशन में खान के पास जो लूट है वो यहाँ पे रहने वाली नहीं है। लकी की बात कीजिए, लकी भी आउट ऑफ सोर्स, यहाँ पे जो हीलिंग्स है वो जाने वाला है, तो यहाँ पे काफ़ी क्रूशल बनने वाला है। तो वहाँ पे ये टीम्स कब फाइट लेना चाहेंगी, वहाँ पे अगर बात कीजिए तो हमें सोल के प्लेयर्स मिलिट्री का जो आइलैंड है वो यहाँ पे जरूर से जाएंगे छोड़ना, लेकिन वहाँ पे 69 के अजीज़ मुझे नहीं पता यहाँ पे किस तरह से डाउन हुए थे, लेकिन यहाँ पे जो रिवाइवल का प्रोसेस है वो भी एग्जीक्यूट किया जाएगा। बूट भी यहाँ पे मौजूद रहने वाले हैं, दोनों के दोनों प्लेयर्स आई गेस थोड़ा सा जोन से बाहर वेट कर रहे हैं कब अगली टीम यहाँ पे जो रोटेशन करेंगी, अंदर फाइट्स होंगी, इलाके खाली होंगे, यहाँ पे रोटेशन करके मैं भी प्लेसमेंट पॉइंट निकालना चाह रहा हूँ। वहाँ पे IY के प्लेयर्स की बात की जाए तो IY का पूरा पूरा स्क्वाड 0 क्लिक्स डेफिनेटली यहाँ पे मौजूद है। लेवल 1 की वेस्ट प्रूफ की बात की जाए, लेवल 1 की वेस्ट इनके पास रहने वाली है, तो जो एक वो जो वेस्ट होती हैं आर्मर्स होती है वो थोड़ा सा क्रूशल रहने वाले हैं इस टीम के लिए। लेकिन अब देखना ये कि यहाँ पे एज के प्लेयर्स जो कि एक सवर्नी में फाइट ज़रूर से होने वाली थी, लेकिन यहाँ पे आते हुए जो हॉस्पिटल के जो साउथर्न साइड होती है वहाँ पे आने वेस्टर्न जो साइड है वहाँ पे आके यहाँ पे प्लेयर्स जरूर से फाइट लेना चाहेंगे। मीक को खो दिया जाता है यहाँ पे, क्लूज की बात की जाए क्लूज को पहले ही खो दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक और प्लेयर को खो दिया जाएगा, तो इतने जल्दी अगर आप यहाँ पे एलिमिनेट होते हो तो थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो रह सकता है। लेकिन अब देखना है कि ये जो 2 प्लेयर्स हैं अपनी टीम को और आगे कितना लेके जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ऐश की प्लेयर्स की यहाँ पे HMGOP की बात करें तो ज़रूर से डाउन किया था, लेकिन जो एक रश का जो प्रोसेस था वो यहाँ पे हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन फ्लेक्स के हंक इस टाइम पे जोन का निशाना बनते हुए हमें देखने को नजर आ, तो फ्लेक्स के प्लेयर्स हमें यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे, यहाँ पे कहाँ पे मौजूद है, लेकिन आई गेस यहाँ पे मैग्मा के साथ ही हमें नज़र आ रहे होंगे। हाँ, मैग्मा के साथ ही साउथर्न साइड पे जो एक इलाके रहते हैं वहाँ पे रोटेशन करना चाहेंगे। फ्लेक्स यहाँ पे 4v वहाँ पे 4j जॉर्ज की बात की जाए तो 4v जॉर्ज जो पूरी तरह से कंफर्म हो चुके हैं। हंक भी आउट ऑफ द जोन इस टाइम पे हमें नज़र आ रहे, AFK थे आई गेस, तो यहाँ पे वो भी जोन से डैमेज खाते हुए एलिमिनेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो पूरा पूरा स्क्वाड है वो हमें नज़र, तो बैक स्टेप, लेकिन वहाँ पे खान की बात की जाए तो खान इस टाइम पे आई गेस इस चीज़ से बिल्कुल अवेयर थे कि जोन पे यहाँ पे वो कुछ भी नहीं कर सकते, तो फाइट को डिसंगेज करेंगे। यहाँ पे रोटेशन जो है उनकी स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन लकी अभी वहाँ पे स्टक नज़र आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे लकी की बात की जाए तो लकी यहाँ पे माई आएंगे और यहाँ पे लकी को डाउन किया जाता है, लेकिन रिटेलिएशन में माई की अपनी HP वो भी काफ़ी ज़्यादा डाउन रहने वाली है। लेकिन यहाँ पे वो सारे सिनेरियो में हमें देखने को नज़र आ कि यहाँ पे HZMGO यहाँ पे जो प्लेयर है हाजिम, उनको यहाँ पे जो डाउन किया था, रिवाइवल का प्रोसेस एग्जीक्यूट किया जाएगा, व्हीकल्स भी इनके पास रहने वाले हैं, तो जो रोटेशन है वो भी ओबीसी अभी कुछ ही सेकंड में स्टार्ट होने लगेगी। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो जोन की जोन हम लोगों को एक हार्डशिप लेता हुआ पूरी तरह से वेस्टर्न साइड पे जाता हुआ दिखाई देगा, तो यहाँ पे जो टीम्स हैं वापस से सेंट्रल इलाके यहाँ पे पकड़ना चाहेंगे। जिस तरह मैं यहाँ पे बात करते हैं जो फाइम के प्लेयर्स यहाँ पे EF के यहाँ पे जो स्क्वाड है पूरा जोन का सेंट्रल इलाका पकड़ के बैठे हुए, लेकिन यहाँ पे R360 के प्लेयर्स रोटेशन जरूर से करना चाहेंगे, लेकिन सामने CS के प्लेयर्स रहने वाले हैं। TOG खान जोन से पूरी तरह से एलिमिनेट होते हुए ये जो पूरा का पूरा स्क्वाड है खान का स्क्वाड वो हमें नजर आता है बैक स्टेप पे जाएगा, लेकिन R360 के प्लेयर्स जरूर से हमें नजर आते हुए फाइट एंगेज करना चाहेंगे या रोटेशन करना चाहेंगे, और ऑब्वियसली जोन की रोटेशन करके एक सेंट्रल यहाँ पे एक एज जो होते हैं यहाँ पे जो ईस्टर्न इलाके होते हैं वहाँ पे जो एक डिप्स आती है वो जरूर से जो रिजिस का सारा यहाँ पे लिया जाएगा, एक अच्छी आप लोग कह सकते हो। लेकिन अब देखना ही कि उस सारे सिनेरियो में हमें नजर आता है 69 के प्लेयर्स जो कि नोवरूप नाई के अंदर थे वो भी पूरी तरह से रोटेशन करेंगे, और सामने प्लेयर्स की बात की तो R360
क्रूशी के साथ मे भी यहाँ पे फाइट हमें जल्दी इंगेज होती दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पे क्रूशर रहने वाले काफ़ी के काफ़ी तीन स्क्वाड्स की बात की जाए तो DRM के जो दूसरा स्क्वाड है वो भी हमें नजर आता है, वो फोर मैन स्टैंडिंग स्क्वाड एक हार्ड कंपाउंड उनके पास है, तो जो कवर्स हैं ऑब्वियसली उनका यहाँ पे फायदा उठाया जाएगा। और आप यहाँ पे देख रहे हैं तीन स्क्वाड्स वो किस तरह से आपस में फाइट लेंगे और यहाँ पे किस तरह से इंगेजमेंट करेंगे अपनी गेम के अंदर। वहाँ पे मैग्मा के प्लेयर्स की बात कीजिए, प्रीमोरस के आसपास हमें देखने को जरूर से नजर आते पूरी तरह से एक वेस्टर्न रोटेशन करके हॉस्पिटल के जो ऊपर इलाके अगर बात की जाए पूरी तरह से वेकेंट रहेंगे, लेकिन यहाँ पे पीएबीएक्स के प्लेयर यहाँ पे जो एश के प्लेयर्स हैं वो यहाँ पे स्पॉट करेंगे। मैग्मा की यहाँ पे रोटेशन जरूर से थी और यहाँ पे मैग्मा की रोटेशन यहाँ पे ट्रैप बॉय को जरूर से स्पॉट करेंगे और यहाँ पे जो एक कंसिस्टेंस प्लेयर है उतारा जाता है गाड़ी से, तो मैग्मा के प्लेयर्स पहले ही तीन प्लेयर्स आए थे और यहाँ पे एक प्लेयर्स को और आप उतारते गाड़ी से बग्गी से उतारा जाता है, तो कहीं ना कहीं टीम आप थोड़ा सा आगे जाके लैग करेंगे। वो जो एक हमें देखने नजर आ गया जो फैक्टर है जो प्लेयर्स का वो किस तरह से रहने वाला है, लेकिन इस टाइप पे नजर आती है एक और हार्ड शेप थोड़ा सा साउथर्न साइड पे आएगा। और यहाँ पे कुछ प्लेयर्स की बात कीजिए, जैसा BF के प्लेयर्स हमें नजर आ रहे हैं, ER के प्लेयर्स हमें नजर आते हुए, लेकिन ERF के प्लेयर्स की बात कीजिए तो ERF के प्लेयर्स इस टाइम पे लेते हुए फाइट और एक प्लेयर को यहाँ पे डाउन जरूर से किया जाता है, तो EF का प्लेयर्स यहाँ पे आई गेस उनके पास एक हार्ड जो कवर है वो भी रहने वाला है, तो जहाँ पे जो एक रिवाइवल का प्रोसेस है वो जरूर से एग्जीक्यूट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे BF के प्लेयर्स की बात कीजिए तो BF के यहाँ पे एक प्लेयर पूरी तरह से कन्फर्म्ड हो चुके हैं, लेकिन थ्री मैन स्टैंडिंग स्क्वाड जरूर से देना चाहेंगे डैमेज। और आप देखना है कि जोन के अंदर तो यहाँ पे मौजूद हैं एक सेंटर, यहाँ पे एक एज वाला इलाका वो भी रहने वाला है, लेकिन वहाँ पे CS के प्लेयर्स एक जो लॉबी का जो तापमान था वो थोड़ा सा नॉर्मल था ठंडा था, लेकिन अभी यहाँ पे जो तापमान है वो आता हुआ हमें जरूर से देखने नजर आएगा। और यहाँ पे जो फाइट्स हैं वो यहाँ पे इंगेजमेंट नजर आएगी, यहाँ पे RT60 के प्लेयर्स इस टाइम पे सामने नजर आते हुए 69 के यहाँ पे फायर को जरूर से डाउन कर देते हैं। और आप देखना है कि ये जो रश है किस तरह से रहेगा, मुजरिम की बात कीजिए, मुजरिम एक ऑफ गार्ड एंगल निकाल के जरूर से स्पॉट करें, जो बगी का TPP रहता है वो यहाँ पे लेने के चाह रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पे प्लेयर्स स्पॉट कर लें, गाड़ी आपकी डेफिनेटली एक स्टैटिक खड़ी हुई है, तो यहाँ पे अगर कोई प्लेयर आपको स्पॉट करे तो डेफिनेटली यहाँ पे क्रूशियल डैमेज दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे दो प्लेयर्स आते हैं रिवाइवल के लिए, लेकिन यहाँ पे ब्लेज काफी ज्यादा नजदीक, अगर ब्लेज यहाँ पे स्पॉट कर ले तो कुछ हो सकता है, लेकिन ब्लेज वो जो नॉक प्लेयर छोड़ा था उसको यहाँ पे छोड़ेंगे और यहाँ पे जो जोन है उसको जरूर से प्रायोरिटाइज करेंगे, लेकिन उस सारे सिनेरियो में ब्लेज को थोड़ा सा डैमेज बुलेट टैग की जाती है, लेकिन यहाँ पे ब्लेज निकलने में कामयाब हो जाते हैं। और वहाँ पे CS के प्लेयर्स की फाइट हमें नजर आती, CS का पूरा स्क्वाड है, जैसे एक CS के प्लेयर ने यहाँ पे उड़ा दिया, तो जो फाइट थी जो एंगेजमेंट हमें नजर आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल रहने वाली है। स्वे की बात की जाए तो स्वे डेफिनेटली यहाँ पे दो किल्स के साथ रहने वाले हैं, अगर वे यहाँ पे आर्मर की बात की तो Level 3 की वेस्ट, यहाँ पे Level 3 का हेलमेट और 2 की वेस्ट रहने वाली है, वेस्ट ऑब्वियसली थोड़ा सा डैमेज है, लेकिन यहाँ पे जो एक फाइट इंगेज की है 4 किल्स की और की अपनी टीम के लिए वो डेफिनेटली आगे जाके आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेंगी। 14 टीम्स अभी भी देखने को नजर आती, जोन आई गेस वापस से श्रिंक होता हुआ दिखाई देगा। इस टाइम पे हिली एरियाज़ की बात की तो R360 के साथ साथ तीन टीम्स और भी रहेंगी, तो अब देखना ये कि जो तीन टीम्स है सामने प्लेयर्स की बात की जाए, RTS के हैश को यहाँ पे नैश को जरूर से स्पॉट किया जाता है, डैमेज दे सकते थे, लेकिन ब्लेज आई गेस वापस से पीछा आना चाहेंगे। और सामने के प्लेयर्स की बात की तो टीम नंबर जो 8 के प्लेयर्स हैं वो KOUT के पूरे के पूरा फोर मैन स्टैंड स्क्वाड, तो ब्लेज की जो इस टाइप पे लोकेशन आई गेस थोड़ा सा अपनी टीम से पीछे रहेंगे और यहाँ पे अगर स्पॉट कर लिए तो मे भी दिक्कतें हो सकती है, लेकिन वहाँ पे मैक्सिमम्स की बात की तो मैक्सिमम जरूर से आना चाहेंगे, यहाँ पे फाइट लेना चाहेंगे, लेकिन आई गेस पीछे से जरूर से स्पॉट किया जाता है, अल्ट्रो लोकेशन से यहाँ पे जरूर से आई गेस यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे फाइट को डिसंगेज करेंगे, लेकिन वहाँ पे मैक्सिमम के ऊपर आता हुआ आप टीम नंबर जो 8 यहाँ पे 15 के प्लेस RTS के यहाँ पे जो नैश है वो यहाँ पे आते हुए यहाँ पे जरूर से फाइट को एंगेज करेंगे। नैनी की बात की जाए अपनी टीम से थोड़ा सा ऑफ गार्ड एंगल जरूर से बना के बैठे हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे कि सारे सिनेरियो में जो मैक्सिमम की जो एक किल है वो किस तरह से सिक्योर की जाएगी। और यहाँ पे जो बाकी प्लेयर्स हैं जैसे अल्ट्रो यहाँ पे भी फंसे हुए हैं, तो ये जो रोटेशन का आगाज है किस तरह से करेंगे, लेकिन मैक्सिमम के यहाँ पे जो 69 के फायर हैं वो वाइम के साथ फाइट लेंगे। और यहाँ पे नजर आता हुआ एक और कैजुअलिटी जरूर से हमें नजर आती हुई, हॉर्स के प्लेयर्स ओबीसी थोड़े से हमें नजर आ गए, दो टू मैन स्टैंडिंग स्क्वाड है, लेकिन यहाँ पे फाइम के प्लेयर्स की यहाँ पे राइनो की बात की, राइनो ऑब्वियसली यहाँ पे लास्ट टाइम पे हमें नजर आए थे कुछ प्लेयर्स जरूर से निकाले थे, लेकिन इस टाइम पे इनकी एचपी भी काफी ज्यादा कम नजर आती है। सामने प्लेयर्स की बात की तो 3 नंबर 5 की जो 69 का स्क्वाड है वो पूरी तरह से अंदर घुसने की कोशिश करेगा, नेट्स का स्पैम बार बार हमें ऑब्वियसली देखने को नजर आता है। अब देखना है कि सारे नेट्स के स्नैरियो में जो रिसोर्सेज होते हैं जो थ्रोएबल्स के आइटम्स होते हैं वो किस तरह से रहने वाले, लेकिन 3 नंबर 5 के प्लेयर्स जो 69 का स्क्वाड है इस टाइम पे नजर आता है थोड़ा सा बैक स्टेप पे जरूर से रह सकता है, बूट और अजीज इस टाइम पे डाउन नजर आते हुए, लेकिन यहाँ पे 3 नंबर 14 के प्लेयर्स आएंगे यहाँ पे ओपन से आने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे जो एक प्लेयर रिवाइव जरूर से करना चाहेंगे, लेकिन यहाँ पे स्वे की बात कीजिए तो स्वे अंदर आना चाहेंगे और यहाँ पे अभी भी कन्वर्ट करके जो एक प्लेयर रहने वाले थे 69 के प्लेयर्स उनको भी यहाँ पे डाउन करते हुए मुजरिम आखिरी सर्वाइवल बचेंगे और इतना ज़्यादा बैक स्टेप होते हुए मुजरिम को भी यहाँ पे स्पॉट करके पूरी तरह से एलिमिनेट करते हुए ये स्वे यस का स्क्वाड विदाउट लूजिंग अ सिंगल पर्सन 8 किल्स स्क्योर करके चुका हूँ, 8 किल्स अपने बैक पे मिलेगी जगह अभी भी जोन के अंदर तो थे,
लेकिन जोन यहाँ पे थोड़ा सा धोखा देगा। लेकिन यहाँ पे आईवाई के प्लेयर्स की बात की तो आईवाई के यहाँ पे एक प्लेयर को यहाँ पे पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है 4v3 की फाइट, क्योंकि ऑब्वियसली जोन गेट कीपिंग हमें देखने को नजर आ रही है। लेकिन क्रेजी बॉय की बात की तो थोड़ा सा डैमेज आई गेस यहाँ पे बुलेट्स जो है आगे पीछे से उसे लैंड लैंड हो रही होंगी। लेकिन स्पैरो की बात की जाए, स्पैरो इस टाइम पे काफी ज्यादा ऑफ गार्ड एंगल पकड़े यहाँ पे स्वे के ऊपर, यहाँ पे कुछ बुलेट जरूर से दिया जाता है, डैमेज भी काफी। लेकिन अब देखने के सारे सिनेरियो में जरूर से यहाँ पे बैठे हुए, लेकिन वहाँ पे क्रेजी बॉय को भी यहाँ पे जरूर से स्पॉट करिएगा। और एक अट्ठे जब बुलेट्स यहाँ पे आपके ऊपर आती हैं तो आपकी टीम को पूरी तरह से यहाँ पे रोन दिया जाता है। ओपोनेंट की यहाँ पे रिस्पेक्ट करनी चाहिए आपको, डेफिनेटली आपको एक हार्ड कवर में रहना चाहिए। लेकिन वहाँ पे सोल के प्लेयर हमें काफ़ी ज़्यादा एक प्यारी फाइट लेते हुए दिखाई दे रही है, और यहाँ पे कुछ प्लेयर्स को यहाँ पे डाउन कर दिया जाता है। तो अब देखना ही कि सोल के बाकी प्लेयर्स किस तरह से रहने वाले हैं। यहाँ पे एक और फाइट हमें लगा थी सोल की टीम की बात की जाए, कुछ टीम यहाँ पे अपने यहाँ पे बैकपैक में डालें किल्स डालें, लेकिन उसके बीच में यहाँ पे लाइनिक्स को पूरी तरह से कंफर्म कर दीजिएगा। और यहाँ पे एरर की एचपी की बात की जाए काफ़ी ज़्यादा लो रहने वाली है। वहाँ पे फरमा की बात की जाए तो आई गेस यहाँ पे जरूर से अब गेट कीपिंग सिनेरियो हमें देखने नजर आ रहा है बीएफ के स्क्वाड की जानब से। तो अब देखने के सारे सिचुएशन में जोन जो है वो तो सोल के यहाँ पे आई गेस ऐसा वो फेवर नहीं करेगा, तो बिल्कुल बल्कि फेवर भी करेगा जोन के बिल्कुल एज पे रहने वाले। यहाँ पे सी एस के प्लेयर्स इस पे नजर आते हुए जरूर से फाइट लेना चाहेंगे। स्पैरो जो कि आखिरी सर्वाइवल बचे थे वो जॉन करेंगे और यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो वो जो एक रहने वाला स्क्वाड अब वो आई गेस पूरी तरह से बैक स्टेप होगा। स्पैरो अभी भी ठीक है, जो आखिरी सांस तक जो फाइट होती है वो हमें नजर आती दिखाई दे रही है उनकी जानब से। लेकिन इस सारे सिनेरियो में सीएस के प्लेयर्स पूरी तरह से बैक स्टेप होंगे। राइनो उनको भी यहाँ पे नॉकआउट किया जाता है, लेकिन वहाँ पे आरटीएस के रोबोट की बात की जाए तो नॉक पड़े थे, किल को यहाँ पे सिक्योर कर दिया जाता है। इस टाइम पे सी एस का स्क्वाड पूरी तरह से डोमिनेट कर रहा है। 11 किल्स इनके पास रहने वाले हैं, रैंडम्स ने डेफिनेटली इनके पास जाने वाले यहाँ पे स्पैम कर रहे हैं। लेकिन आर टी एस के प्लेयर्स की बात की जाए एक इनके पास रहने वाले, समी केचपी की बात की जाए समी केचपी काफ़ी ज़्यादा जाऊँ। लेकिन यहाँ पे कोर्ट के जो प्लेयर्स वो जो जोन के जो एक हाइट यहाँ पे जो नॉर्दर्न साइड रहे यहाँ पे जो साउदर्न साइड रहती है जॉर्जियापुर की जो एक हिली एरिया होती है वहाँ पे फंसेंगे अपने कुछ प्लेयर्स। यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक प्लेयर को यहाँ पे जोर से खो दिया जाता है, लेकिन दो प्लेयर्स अभी भी रहने वाले हैं नैनी और यहाँ पे समी। तो अब देखना ये कि सामने मैग्मा के प्लेयर्स की बात की तो मैग्मा के जो यहाँ पे नजर आ रहे हैं हम लोगों के राइजर वो आखिरी सर्वाइवल रह चुके हैं, और यहाँ पे नैनी को स्पॉट करके जरूर से यहाँ पे नजर आते हैं। लेकिन नैनी का रिटेलिएशन पहले स्पॉट करेंगे और यहाँ पे डाउन करके एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो अब देखना ये कि टोटल 8 टीम्स 19 प्लेयर्स अभी भी लाइव। सोल के स्क्वाड की जो लोकेशन है पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड है, अगले प्लेयर्स एम जो अपना जो कॉर्सेर होता है जो एडीएस होता है वो लॉक करके बैठे हैं। तो सोल के प्लेयर्स इस टाइम पे दिक्कत पे, क्योंकि जो व्हीकल्स जो मोबिलिटी के जो सोर्सेज थे वो भी पूरी तरह से बर्न आउट कर दिए जाते हैं। तो जो अब यहाँ पे जो पैदल भागेंगे वो कुछ रहने वाला है मुश्किल सा सोल के स्क्वाड को। यहाँ पे जोन की बात की जाए तो जोन से इस टाइम पे अभी अभी 80 मीटर अंदर जाना पड़ेगा। तो अब देखने की सारे सिचुएशन में अपने जो जोन के अंदर का जो सफर है वो किस तरह से रहने वाला है। पीछे कुछ प्लेयर्स की बात की जाए तो जैसे यहाँ पे टीम ऑफ सेफ्टी के होस्ट के स्क्वाड है वो स्पॉट करेंगे पेन को, और काफ़ी एक ज़्यादा हैवी डैमेज दिया जाता है और यहाँ पे नॉक होने ही वाले थे, लेकिन उनके पास डेफिनेटली एक हॉट कवर रहने वाला है। लेकिन अब यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे जो कोर्ट के प्लेयर्स हैं यहाँ पे अशर को यहाँ पे डाउन कर दिया जाता है, लेकिन वहाँ पे दूसरे प्लेयर्स वहाँ पे रिवाइवल का जो प्रोसेस एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन फाइम के जो सी एस का स्क्वाड है पूरी तरह से नजर जमाए रखेगा और यहाँ पे व्हीकल लेके आई गेस यहाँ पे जाना चाहेंगे मिरेकल। और अब देखना है कि क्या ये यहाँ पे मिरेकल जरूर से करेंगे या ये भी एलिमिनेट होंगे। लेकिन व्हीकल के साथ यहाँ पे जोन के अंदर रोटेशन करना चाहेंगे। सामने प्लेयर्स की बात की जाए तो सामने पी प्लेयर्स मौजूद हैं उन्होंने, तो इस टाइम पे जोन के अंदर उनको एक नजर नहीं आ रही जगह कहाँ पे होल्ड करने। लेकिन इस टाइम पे नजर आता हुआ टीम नंबर 10 के प्लेयर्स बीएफ का स्क्वाड यहाँ पे रहने वाला है। तो ये प्लेयर्स यहाँ पे जो 3v3 की फाइट है ऑब्वियसली, लेकिन दो प्लेयर्स अंदर आए थे एक पीछे से कवर देगा, तो यहाँ पे ये फाइट किस तरह से इंगेज करेंगे नंबर्स किस तरह से रहने वाले। लेकिन वहाँ पे हॉर्स के जो मशीन थे आई गेस मशीन को स्पॉट किया जाता है SLY की जानब से, डाउन करेंगे नो मर्सी आखिरी सर्वाइवल बचेंगे अपनी टीम के लिए। टोटल 7 टीम्स अभी भी अलाइव, लेकिन यहाँ पे देखना है कि बीएफ के प्लेयर्स अंदर आना चाहेंगे। यहाँ पे बीएफ के यहाँ पे डिक्टेटर अंदर आने की 7 शॉटगन की कोशिश की जाती है। इतने ज़्यादा एंडिंग्स पे अगर आप यहाँ पे ज़रा सी गलती करते शॉटगन माना कि एक अच्छी गन है क्लोज रेंज के अंदर, अगर एक शॉट लगती है तो आप एलिमिनेट कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे इस लॉबी के अंदर डेफिनेटली आप गलती नहीं करना चाहोगे। तो यहाँ पे बीएफ के प्लेयर्स बात की जाए 3 प्लेयर्स रहने वाले थे, लेकिन मुझे गलती की जाती है एक प्लेयर की जानब से दूसरे प्लेयर अंदर आए थे। लेकिन वहाँ पे गन पावर की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग गन पावर हमें नजर आती जरूर से दिखाई दी है। तो यहाँ पे सीएस के प्लेयर्स की बात की तो सीएस के भी दो प्लेयर्स यहाँ पे डाउन होते हुए, यहाँ पे एक फेयर ट्रेड भी आप लोग कैसे थे, दो प्लेयर्स आप लेके जाओ दो प्लेयर्स हम लेके जाएंगे। लास्ट मैन स्टैंडिंग यहाँ पे मिरेकल, और सामने प्लेयर्स की बात की तो यहाँ पे हम लोगों को नजर आते हुए सोल के फरमान यहाँ पे रहेंगे। तो अब देखना ही कि सारे सिचुएशन में किस तरह से
रिटेलिएट करेंगे। टोटल 5 टीम्स, एक नेट जाता हुआ मिरेकल के ऊपर, यहाँ पे मशीन के ऊपर थोड़ा सा एरिया यहाँ पे डैमेज जरूर से किया जाता है, लेकिन वो जो एक हमें नज़र आ रहा था, एक जो स्प्लैशेज होते हैं वो जरूर से नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे अभी देखा जाए एक और प्लेयर्स फरमान जो थे उनको भी एलिमिनेट करते हुए टोटल हम बढ़ते हुए टोटल 4 टीम्स के ऊपर। अगर यहाँ पर बात की नंबर्स की तो नंबर्स यहाँ पर नज़र आते हुए TKS के प्लेयर्स की जाने, ऑल दो किल्स काफ़ी कम है, लेकिन यहाँ पर जो आप टॉप 4 के अंदर आ गए हो, 4v2 यहाँ पे 3v2v1v1 की सिचुएशन है। तो इस टाइम पे देखना ये कि यहाँ पे कौन से प्लेयर्स डोमिनेट करेंगे और यहाँ पे लेकर जाएंगे। एक चिकन डिनर सिनेरियो है, यहाँ पे TKS के प्लेयर्स हार्ड कवर है, सारे के सारे प्लेयर्स की बात कीजिए सामने रहने वाले हैं। नोवा आई गेस इस टीम से इस टाइम बिल्कुल अवेयर है कि सारे प्लेयर्स कहाँ पर रहने वाले हैं। मशीन की और यहाँ पे नो मर्सी की बात की, डेफिनेटली यहाँ पे टीम नोटिस तो करेगी कि यहाँ पे स्मोक होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे प्लेयर्स मौजूद रहने वाले। तो एक जो थ्रोएबल्स की जो जो नज़र आ रही डेफिशिएंसी वो जरूर से स्क्वाड के पास रहने वाली है। तो अब देखने की थ्रोएबल्स यहाँ पे किस तरह यूज करेंगे। टीम्स की लोकेशन काफी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज रह सकती है, कवर्स के अंदर यहाँ पे सहारा लिया जा रहा है। तो इस टाइम पे हम लोग जोन की बात कीजिए तो जोन मेरा मैप क्लिच हो गया क्या, यहाँ पे जोन आता हुआ हम लोगों को थोड़ा सा फेवर जरूर से कहेगा TKS के प्लेयर्स इस सारे सिचुएशन में। हॉर्स के जो प्लेयर्स हैं इनको अपना जो एक कवर रहेगा उसको यहाँ पे जरूर से छोड़ के जाना पड़ेगा। रिसोर्सेज जो नजर आता हुआ यहाँ पे स्मोक्स डिप्लॉय कर दी जाती है और यहाँ पे अब अगला जो सफर है जोन का वो किस तरह से रहने वाला और यहाँ पे किस तरह से। बैकपैक ऑब्वियसली जब आप प्रोन होकर जाते हो तो डेफिनेटली बैकपैक एक ऐसी चीज रहती है जो आपको स्पॉट करने में अगली टीम यहाँ पे स्पॉट करेगी और यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पे नो मर्सी पूरी तरह से अवेयर है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस जरूर से आई गेस इतनी लॉबीज का यहाँ पे जांचते हैं। बैकपैक उतारेंगे अब जो सफर है जोन के अंदर, क्योंकि अभी भी अगर देखा जाए तो 70 मीटर अंदर जोन के जाना पड़ेगा। तो ये जो क्रूशल एक सफर है वो किस तरह से रहेगा, क्या यहाँ पे सफर करके कामयाब हो पाएंगे या सफरिंग करके यहाँ पे एलिमेंट हो जाएंगे। लेकिन वहाँ पे मिरेकल की बात की जाए, मिरेकल का भी यहाँ पे जो BF के प्लेयर्स जो आखिरी स्क्वाड यहाँ पे जो रह चुके थे वहाँ पे ग्रेनेड जाएगा और यहाँ पे एलिमिनेट करेंगे, लेकिन वहाँ पे पीछे से मिरेकल की जानब से मशीन को स्पॉट करेंगे और मशीन को डाउन कर दिया जाता है। तो नो मर्सी आखिरी सर्वाइवर, तो 3v1v1 की सिचुएशन आती हुई, लेकिन वहाँ पे फोर्स की मशीन की यहाँ पे जो किल है वो स्क्योर कर दी जाती है, सामने से TPP होगी, लेकिन नो मर्सी के जो पिक्सल्स हैं वो यहाँ पे ब्रांड नब की जानब से स्पॉट करेंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पे 3v1 की सिचुएशन, लोकेशन पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज, तो आप यहाँ पे आई गेस डोमिनेशन जरूर से दिखा सकती है TKS के प्लेयर्स। सभा जान की बात की जाए तो यहाँ पे सभा बाजी की बात की, सभा बाजी ऑफ गार्ड एंगल जरूर से बनाना चाह रही है और यहाँ पे लोकेशन के साथ एक चेंज करेंगी, लेकिन यहाँ पे आता हुआ थ्रोबस का ग्रेनेड, यहाँ पे मिरेकल की लोकेशन पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज, ग्रेनेड का यहाँ पे स्पैम जरूर से देखने नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो मिरेकल के पास एक हार्ड कवर है दूसरे रूम्स में आएंगे अपने उसको सिक्योर करेंगे। लेकिन सोन आता हुआ आई गेस एक फेवर नहीं देगा, लेकिन आई गेस मिरेकल अपनी किल अगली स्क्वाड को देना नहीं चाह रहे और यहाँ पे जो अपने आप को जोन से ख़त्म करेंगे। तो मे बी अब देखना ये कि यहाँ पे जो एक सफ़र है वो किस तरह से रहने वाला है, लेकिन जोन के अंदर तो आई गेस आ चुके होंगे, आई गेस जोन के अंदर आ चुके हैं। जोन अभी तक यहाँ पे इनको यहाँ पे डैमेज तो यहाँ पे जो करना स्टार्ट नहीं किया, लेकिन अब देखना है कि क्या ये अपनी किल अगले प्लेयर्स को देंगे या यहाँ पे खुद ही जोन से आएंगे। लेकिन अगले प्लेयर्स की बात की तो यहाँ पे रोटेशन करके जरूर से क्लोजर आना चाहेंगे, लेकिन यहाँ पे देखा जाए सभा बाजी अंदर आएंगी, कन्फ्रंट करेंगी और बड़े ही खूबसूरती के साथ मिरेकल को यहाँ पे डाउन करते हुए ये चिकन डिनर जाता हुआ TKS के स्क्वाड की जानेब 6 किल्स के साथ। यहाँ पे चिकन डिनर पहली जो स्टार्टिंग है वो यहाँ पे आप कर चुके हो, अब देखना ये कि आगे किस तरह से रहने वाले हैं। फाइन के प्लेयर्स जो CS का स्क्वाड है ओब्वियसली डोमिनेट, इनके पर हमें डोमिनेशन देखने को नजर आई है, लेकिन आखिर में नंबर्स यहाँ पे लूज हुए, वो जो आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे जो इनकन्सिस्टेंट आप लोग कह सकते हो गलतियाँ की थी वहाँ पे उनको रोशनी डालनी पड़ेगी, सीखेंगे। और यहाँ पे अब देखना ये कि ये CS का स्क्वाड एक अच्छी स्टार्टिंग की, ऑल दो यहाँ पे किल्स भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपके पास रहने वाले, पोजीशन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो अगले जो 2 मैच हैं वो किस तरह से आप निकालोगे। वहाँ पे टीम नंबर 3 के प्लेयर्स की बात की जाए, हॉर्स के स्क्वाड ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़ा सा हमें देखने को नजर, क्लूज यहाँ पे जो क्लॉज थे उनको यहाँ पे बहुत अर्ली जो एक हम लोगों को नॉर्दर्न साइड पे जो हमें जॉर्जियापुर की फाइट नजर आई थी वहाँ पे खो दिया जाता था, लेकिन मशीन सम हाउ यहाँ पे मैनेज टू टेक हिज टीम ऑन द 3rd पोजीशन और यहाँ पे हमें नजर आ रही है। अब देखना ये जो टॉप की 3 टीम्स हैं जो आप पहले सफ़े पर आ चुके हो वो क्या यहाँ पे अपनी जो एक रिटेंशन होती है वो यहाँ पे वापस से बरकरार रखोगे। वहाँ पे BF के प्लेयर्स की बात की तो 6 यहाँ पे 7 किल्स, यहाँ पे जो रफ़ीक कोबरा है यहाँ पे रफ़ीक कोबरा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्यारी किल्स अपनी टीम के लिए निकालने हैं। 4th टीम यहाँ पे पोजीशन होल्ड करके बैठेंगे। सोल के स्क्वाड से ओब्वियसली कुछ हम लोगों को नज़र आ रहे थे, एक आप लोग कह सकते हो उम्मीदें थी, लेकिन यहाँ पे ओब्वियसली 3 किल के साथ 5वीं पोजीशन होल्ड करके सम हो 5वीं पोजीशन होल्ड कर दी है। लेकिन अब देखना है कि यहाँ पे जो टॉप 8 टीम्स हैं वो क्वालिफाई करेंगी और यहाँ पे जो सोल का स्क्वाड है वो किस तरह से रहने वाला है। कोर्ट के प्लेयर्स की बात की जाए तो यहाँ पे हमें नजर आते हुए 5 टीम्स यहाँ पे 5 किल के साथ 6ठी पोजीशन होल्ड करके बैठेंगे। IY की प्लेयर्स की बात की जाए 2 किल 7वीं पोजीशन, RTS के प्लेयर्स की बात की जाए 3 किल के साथ 8वीं पोजीशन होल्ड करके बैठे हैं। ओके बाकी देख लो स्क्रीन शॉट्स, 300 पिंग
फजूल रूम एमएस। नहीं मेरी तो रूम की पीएमएस कितनी आ रही थी, लेट मी सी, अबे बस करो भाई। ओके गाइस तो 2 मिनट में स्टार्ट होने वाला है अगला रूम, ठीक है। 142 ms आई गेस। यार ये आई गेस वो जो टीम्स आई हैं बाहर से, वो जो प्लेयर्स आते हैं वो डेफिनेटली अफेक्ट करता है पिंक, और यहाँ पे वो ही देखने को आई गेस नज़र आ रहा है हम लोगों को। तो अब देखना है ये बाकी किस तरह से रहने वाली है। सोलो कास्ट होता है, काफ़ी ज़्यादा बोलना पड़ता है, आपको थक जाते हो। एमईएस है इसमें ना? एमईएस नहीं है इसमें। तब तक गाइज आप लोग बोर हो रहे होंगे, गाना सुन लो ये आप लोग। ओके गाइस, जिससे स्ट्रीम को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दो स्ट्रीम को। MS250 जानी आपके इंटरनेट का मसला है। गुड रूम भैया, जानी आपके इंटरनेट का मसला है मेरे।
मेरी तो मैं सामने स्क्रीन पे नजर आती कोई 150 भी नहीं थी यार। मैं तो स्ट्रीम कर रहा हूँ यार, मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ, मेरी पिंगाई होती है। समीर भाई अब नहीं होगा मस्ता, अब नहीं होगा, मैक्सिमम पबजी मोबाइल अब नहीं होगा। प्लेयर्स कहाँ पर हैं?
ओके गाइस, तो आज का यहाँ पे सेकंड मैच स्टार्ट करते हैं। मिरामार का ये मैच है, थोड़ा सा बड़ा मैच होगा और जो टीम्स इस टाइम पे डोमिनेट करके गई हैं, जिस तरह हम लोगों को दिखने को नज़र आते हैं, सी एस के प्लेयर्स ओबीसी खेल फील्ड में उनका नाम आते रहे हैं, वो जो किल जो पॉइंट्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्क्योर करके गए हैं। ओवरऑल स्टैंडर्स की बात की तो गेस्ट नंबर वन पर होंगी क्योंकि किल्स काफ़ी ज़्यादा थी, और नंबर टू पर जब आप आते हो तो डेफिनेटली आपकी जो एक जो प्लेसमेंट पॉइंट होते हैं जहाँ किल का जो साथ एक कम्बिनेशन होता है डेफिनेटली आपको ऊपर लेके जाएगा। वहाँ पर कुछ टीम्स की बात कीजिए, जैसा टी ओ जी के प्लेयर्स थे, टी ओ जी के प्लेयर्स के साथ थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन थी। खान ने जो वो क्लचेस निकाले थे डेफिनेटली टीम के साथ और इसी इनकेस्टेड परफॉर्मेंस ही। अब देखना है कि जो टीम्स अभी डाउन द टेबल परफॉर्म कर रही हैं उनके पास ये मौका रहने वाला है। मिरामार का मैच है, ओबियसली मिरामार का जब नाम आता है आपके पास एक ही एक जहन में लफ्ज़ आता होगा कि पहाड़ियाँ। तो यहाँ पे जो रिजेस के आप ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगी, कुछ अर्बन कंपाउंड्स भी होते हैं इस टाइम पे। अगर बात की जाए मैच की, 69 मुजरिम प्लेन के पायलट यहाँ पे देखने को नज़र आ रहे हैं। अगर यहाँ पे जोन की बात की जाए प्लेन बात की बात करें तो हम लोगों को मोंटे के नॉर्दर्न साइड यहाँ पे साउदर्न साइड से जाता हुआ जो प्रेटो पेरिसो का जो एक आइलैंड होता है, जो शोर वाला जो एरिया होता है वहाँ पर जाएगा। तो ओवरऑल बात की जाए तो थोड़ा सा वेस्टर्न शिफ्ट आप ज़रूर से कह सकते हो। तो ईस्टर्न इलाके होते हैं जो साउदर्न साइड पर होती हैं वो जो टीम्स के लिए थोड़ा सा क्रूशल रहने वाला, जैसा तोरे अबूता की बात की जाए, कैंपो मिलिटार की बातें की जाए, वो टीरा प्रोंसा की जो एरियाज़ हैं, अलजर के एरियाज भी काफ़ी ज़्यादा बड़े कंपाउंड्स होते हैं, डेफिनेटली एक अच्छी लूट मिलती है। अल्पोजो की बात की जाए थोड़ा सा नज़दीक है तो टीम्स में भी वहाँ पे कमिट करें जाने की। और यहाँ पे जोन की बात की जाए, जोन आता हुआ हम लोगों को थोड़ा सा साउदर्न साइड पे कह सकते हैं। और यहाँ पे जो कुछ एरिया जैसा लॉस लेनियोस की बात की जाए, एक बड़ा इलाका रहता है, यहाँ पे टीम्स अगर चली भी जाएँ तो डेफिनेटली अगर आपके पास जाती हैं टीम्स यहाँ पे ड्रॉप क्लैश होते हैं, तो ऑब्वियसली जो टीम यहाँ पे लॉस लेने जाना चाहती है उसके पास कम से कम एक प्लान होगा, उसको पता है कि अगर टीम आ जाए तो कहाँ पर रोटेशन करके किस तरह से टेक डाउन करना है। तो अब देखना है कि यहाँ पर जो टीम्स हैं इस बड़े इलाके में कौन सी टीम जाना चाहेंगे, लेकिन आई गेस यहाँ पे लॉस लेनियोस को पूरी तरह से अवॉइड किया जाता है। और यहाँ पे जो BFF के जो प्लेयर्स हैं वो लॉस लेनियोस के ऊपर से जाते हुए आई गेस इम्पाला की साइड पे जा सकते हैं, लेकिन अब देखना ये कि क्या ये जो BF के प्लेयर्स हैं ये वाकई में इम्पाला जाएंगे या लॉस लेनियोस के जो पीछे साउदर्न कंपाउंड होते हैं वहाँ पर जाना चाहेंगे। लेकिन इस टाइप पर अल्पोजो की बात की जाए, अल्पोजो हमें दो प्लेयर्स यहाँ पर दो टीम्स दिखाई दे रही हैं वहाँ पर, वो जो एक इलाका होता है यहाँ पर इसके नाम मुझे भूल गया फिर से यार, यहाँ पर जो चुमासेरा का जो इलाका होता है यहाँ पर हमें दो प्लेयर्स TKS के प्लेयर्स की बात की जाए, तो लास्ट टाइम पे चिकन इन तो किया था लोगों ने सभा बाजी की जान से जो फाइनल ब्लो था वो जो हमें किल फील्ड में नाम आया था। अब देखना ये कि यहाँ पे जो सामने प्लेयर्स IY के प्लेयर्स की बात की जाए तो लास्ट टाइम पे इतने अच्छे परफॉर्मेंस नहीं दिखाई थी, लेकिन अब देखना ये कि सामने TKS के प्लेयर्स जो लास्ट टाइम के हमें रूम के विनर चिकन इन लेके गए थे, अब ये सामने इनको कन्फ्रंट करेंगे तो एक सामने टॉप टेबल की टॉप की टीम आपके बिल्कुल सामने है। तो अब देखना ये कि आप किस तरह से फाइट लोगे। इस टाइम पे अगर देखा जाए तो बाबा शौक इस टाइम पे AFK दिखाई देते थे। सभाबाजी की बात की जाए, सभाबाजी आई गेस थोड़ा सा क्लोज इन करना चाह रही हैं सामने प्लेयर्स के बारे में, आई गेस इनको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन एक जो हिल का जो एडवांटेज है, जो हाइट का जो एडवांटेज है वो आई गेस इस टीम के पास है। बीच एंड नीच की बात की जाए तो यहाँ पे स्पैरो जो कि आई गेस एक हम लोगों को नजर आए थे, लास्ट सर्वाइवल बचे थे लास्ट टाइम पर अपनी टीम के लिए, लेकिन अब देखना ये कि सामने जो फोर मैन स्टैंडिंग स्क्वाड है, आई गेस जो फोर मैन स्टैंडिंग स्क्वाड है, आप थ्री मैन स्टैंडिंग स्क्वाड हो तो 4v3 की फाइट में ओबियसली नंबर्स आपके थोड़े से ख़राब हुए हैं, लेकिन अब देखना है कि यहाँ पे गन पावर लास्ट टाइम पे तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे ही थी, लेकिन अब इस टाइम पे क्या आपने जो आपकी जो जो परफॉर्मेंस है उस पर यहाँ पे वर्क करके आ तो नहीं सकते इतने जल्दी। लेकिन अब देखना है कि यहाँ पे जो सोल के प्लेयर्स लास्ट टाइम पे इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, कुछ उम्मीदें ज़रूर से जगाई थी। यहाँ पे पेन की बात की जो कुछ डैमेज इनको दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे 46 के जो प्लेयर्स हैं उनको स्पॉट कर चुके हैं डैमेज देने की कोशिश, लेकिन ये एरिया को पूरी तरह से इवैक्यूएट करेंगे। एस्केप प्लान लेकर आते हैं कि इतने अर्ली फाइट पे तो हमने यहाँ पे लेना नहीं, अर्ली टाइम पे थी फाइट हमने लेनी है। लेकिन वहाँ पे मैड लोड की बात की जाए, मैड लोड स्टम पे विदाउट वेस्ट कुछ यहाँ पे जरूर से डैमेज दिया जाता है अगली टीम को। लेकिन यहाँ पे माइक की बात की जाए तो हमें बिल्कुल सामने सोल के हमें M7 के प्लेयर्स को यहाँ पे M7 मोड को यहाँ पे जोर से स्पॉट करके जो विंड 94 उसकी शॉट लेने की कोशिश, लेकिन थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट सा था, आई गेस कभी उन्होंने स्नैपिंग की थी होगी या थोड़ा सा ऑलराउंडर होंगे तो मैं भी यहाँ पे जो भी स्पॉटिंग है वो ज़रूर से की जा रही है। लेकिन यहाँ पे जो स्केप प्लान है, जो यहाँ पे निकलने का जो एरिया को यहाँ पे बिल्कुल प्रियोरिटाइज करते हैं कि हमने फाइट नहीं लेनी, यहाँ पे स्केप करना है, ओपोनेंट की रिस्पेक्ट की जाती है, एरिया को लीव करेंगे और यहाँ पे अपने नए कंपाउंड्स की जाने पड़ेंगे। लूट ओबियसली यहाँ पे नहीं है तो नो लूट रोटेशन आप इनकी कह सकते हो। लेकिन वहाँ पे बात की जाए फ्लेक्स के प्लेयर पूरी तरह से नॉर्दर्न साइड पे जाएंगे, नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे हमें नज़र आते हैं, जोन के बिल्कुल एज पे जाके लूट करेंगे। और वहाँ पे जो रोटेशन की बात की जाए, इतने ज़्यादा दूर अगर आप आए हो आपको 3700 मीटर ऑलमोस्ट 4000 मीटर आपको जोन के अंदर जाना पड़े, तो अगर आपके पास हीलिंग्स नहीं होगी तो जोन को आउट ऑन करना आपको थोड़ा सा दिक्कत रह सकता है। वहीं पर जोन की बात की जाए, जोन क्लोज इन होता हुआ हमें देखने को नज़र आ रहा है, तो अब देखना है कि यहाँ पे जो प्लेयर्स हैं इतने ज़्यादा दूर वो किस तरह से रहने वाले हैं। वहाँ पे अगर बात की जाए RTS के रोबोट की, तो RTS के रोबोट हमें नज़र आते हुए यहाँ पे जोर से जाएंगे प्लेयर्स को स्पॉट करने, लेकिन उसी बीच में
हम लोगों को एक शॉट नज़र आती, हमें एक फ्लेक्स की ह्यूगुना की जानब से एक नॉक निकल कर आता हो, तो आप देखना ही कि यहाँ पे जो टीम्स हैं वो किस तरह से रहने वाली हैं, किस तरह से फाइट लेंगी। ऑल दो जो फाइट है वो आई गेस अभी स्पॉट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे नज़र आते हुए ई आर एफ के प्लेयर्स इस टाइम पे डी आर एम के साथ यहाँ पे फाइट देते हुए नजर आए, और यहाँ पे डी आर एम के जो ह्यूगुनी है यहाँ पे उनको यहाँ पे जोर से डाउन किया जाता है, लेकिन जो रिवाइवल का प्रोसेस अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे ओपन से जा रहे हैं, सामने फेरी मौजूद रहने वाली है, आई गेस यहाँ पे लड़की ही होंगी क्योंकि ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे डीपी देखी थी। और यहाँ पे फेरी की बात की जाए, काफ़ी एक अच्छा सा कंसिस्टेंट सा स्प्रे देंगे, और अगले यहाँ पे जो प्लेयर्स रहने वाले हैं रिस्पेक्ट, यहाँ पे जो यहाँ पे अल रवि की बात की जाए तो अल रवि को यहाँ पे डाउन कर दी जाए, तो एक फेयर ट्रेड आप लोग जरूर से कह सकते हो, एक नॉक आप लोगों को निकालोगे तो मिड रेंज की फाइट ऑब्वियसली थोड़ा सा रश करना मुश्किल होगा, क्योंकि एक आपका प्लेयर भी डाउन है इस टाइम पर, तो रिवाइवल का जो प्रोसेस है वो आपको जो एक प्लेयर रहता है जो आप अगर रश करोगे, तो अगर तीन बंदों पर आप रश करते हो तो डेफिनेटली आपका एक प्लेयर नॉक दिखाई दे रहा है, तो एक प्लेयर जाएगा उसको रिवाइव देगा, तो नंबर्स आपके पास थोड़ा सा कम हो सकता है। लेकिन वहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे मेडी यहाँ पे जाते हुए थोड़ी सी लो एन एच पी, लेकिन अब देखना कि यहाँ पे जो फाइट है वो जो इनिशिएट हो चुकी है, अब यहाँ पे इनिशिएशन एक चीज होती है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, नहीं मैडी की बात की, मैडी यहाँ पे ब्लफ खेलेंगे, सामने रिस्पेक्ट मौजूद रहने वाले, रिस्पेक्ट के ऊपर यहाँ पे जरूर से स्मोक फेंका जाएगा, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा फॉल पे करेंगे, थोड़ा सा कतराते हैं, थोड़ा सा बंदा डर भी जाता है एकदम से, आपकी कहते हो मेरी टांगे कहाँ पर हैं, कहाँ पर टांग रही हैं, क्योंकि आवाज़ जब ऐसी आती है कुछ चीज़ गिरती है तो आप कहते हो अभी यहाँ पे आएगा और यहाँ पे बोलेगा डॉस करके बम फटेगा, लेकिन यहाँ पे नजर आता हुआ थोड़ा सा ब्लफ खेला जाता है, जो उनके यहाँ पे जो स्लिट होती है विंडो की, जो विंडोज जो पे होती है उनका जो एरिया है वहाँ पे पूरी तरह से विजन इंपेयर्ड करेंगे इनके लिए, ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़ा सा फायदा भी रह सकता है। अब देखना ये कि यहाँ पे जो 4v4 की फाइट है, नॉक्स निकाले हैं, गन पावर एक दूसरे को दिखा रहे हैं, और यहाँ पे जो इनिशिएशन है यहाँ पे दिखा रहे हैं, और यहाँ पे एरिया को वेकेंट यहाँ पे लीव नहीं कर रहे, लेकिन वहाँ पे उसकी बात में बात की जाए तो बाबा के प्लेयर्स हमें यहाँ पे फाइट देते हुए टी एस के प्लेयर्स हमें आई वाई के प्लेयर्स के साथ यहाँ पे स्पॉट करेंगे, बाबा एक प्लेयर को यहाँ पे नॉक करेंगे। सबाबाजी की बात की जाए, लास्ट टाइम पे अपनी टीम के लिए यहाँ पे क्लोज इन किया था फाइनल प्लेयर शॉट, और इस टाइम पे अभी यहाँ पे इनिशिएट किया, लेकिन वहाँ पे बात की तो टी एस के प्लेयर यहाँ पे आई वाई के प्लेयर्स पहले भी तीन में तीन प्लेयर्स आए थे, ऊपर से यहाँ पे फाइट में एक प्लेयर खो देते तो ये टीम पूरी तरह से बैक चैप पे जाएगी, लेकिन सबाबाजी की बात की जाए तो यहाँ पे जो सबाबाजी है पूरी तरह से फ्रंट लाइन पे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक जो डोमिनेशन होती है जो गन पावर है वो यहाँ पे जरूर से दिखाने देंगे, M249 के साथ घुसने की कोशिश, एक वो जो ट्रिगर कंट्रोल होता है ट्रिगर पे दबा के बस अंदर ही आर्चर यहाँ पे हमें देखने को नजर आए, लेकिन यहाँ पे एक प्लेयर सबाबाजी को डाउन करेंगे, लेकिन पीछे से ब्रांड की बात की जाए तो यहाँ पे ब्रांड आएंगे और यहाँ पे अपने टीम के लिए कवर फायर देंगे, और जो सबाबाजी की जो नॉक थी अगली टीम को जो सिक्योर करने से पहले ही पूरी तरह से एलिमिनेट करेंगे, और यहाँ पे आई वाई के स्पैरो आखिरी सर्वाइवल बचेंगे, लास्ट टाइम पे भी आखिरी सर्वाइवल बचे थे, इस टाइम पे भी ये आखिरी सर्वाइवल बचने वाले हैं, तो अब देखना ये कि यहाँ पे अपनी टीम के लिए किस तरह से पोजिशनिंग निकालेगी, वहाँ पे अगर पिकाडो की जगह साउथर्न साइड है वो जो ये टीम थी हमें अभी भी नजर आ रहे हैं, डीआरएम के प्लेयर्स इस टाइम पे सामने स्पॉट करके बैठे ई आर एफ के प्लेयर्स, तो यहाँ पे फाइट किस तरह से रहने वाली है। लॉस लियोनिस की बात की जाए तो बी एफ के प्लेयर्स जरूर से यहाँ पे गए थे और यहाँ पे लूटिंग करेंगे, वहाँ पे टी यू जी के प्लेयर्स लास्ट टाइम पे कुछ उम्मीदें इनके पास थी, लेकिन अब देखना है कि टी यू जी के प्लेयर्स यहाँ पे किस तरह से सिचुएशन वाले करेंगे। लास्ट टाइम पे खान ने काफ़ी एक प्यारा क्लच निकाला था, लेकिन इस टाइम पे खान की जगह आई गेस अरहम आ चुके हैं, या शहरी, आई गेस शहरी ही आ चुके हैं।